हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको पता है कल मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस एनवायरमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग तीनों चैप्टर के एनसीईआरटी की रीडिंग लगा दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन जो है जहां से कीवर्ड बन सकते हैं वो करा दिया और आज मैंने क्लास शाम को आप लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट भी करा दिया प्लानिंग भी करा दिया थोड़ा सा लेट हो गया बट ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे से आज खत्म कर ही लेना और कल हम स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करके पार्ट ए खत्म कर देंगे फिर किसी दिन पार्ट बी भी, भी एक ही दिन में ट्राई करूंगा खत्म कराने का ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे

12 to 14 years in the months of may the entire perfect uh, class prefectorial board is given duty for the event under the leadership of rohan rohan has shortlisted the following activity pehla identification of the student eligible for vaccination under 12 to 14 years of uh, obtaining aadhar card for registration of these student on covid vaccination app कंसेंट लेटर ऑफ पेरेंट ही फर्दर डिवाइड द एग्जीक्यूशन पार्ट एक्टिविटी लेटर ही ग्रुप द सिमिलर नेचर एक्टिविटी इनटू डिफरेंट यूनिट्स देन ही एलोकेटेड दीज टू द डिफरेंट क्लास प्रिफेक्ट्स अंडर हिज प्रिफेक्टोरियल बोर्ड देयर आफ्टर ही डिवाइस अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वेयर इच क्लास प्रिफेक्ट वॉज सपोज टू एंटर द डेटा ऑफ वैक्सीनेशन फॉर फर्दर सबमिशन ऑफ स्कूल फर्दर सबमिशन टू स्कूल हेडमिस्ट्रेस ये सारी कहानी है क्वेश्चन वन डैश इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा तो ये कौन से फंक्शन की बात कर रहा है पूरा का पूरा स्टेप लिखा हुआ है इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का इसमें भी कोई डाउट है क्लास पहले का सी हो गया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस दूसरे का रोहन हैज शॉर्टलिस्टेड फॉलोइंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई द स्टेप्स हाईलाइटेड इन द अव लाइन इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गे मैंने कहा था क्लास प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टलिस्टेड द फॉलोइंग एक्टिविटी यानी कि क्लास इन्होंने क्या किया आइडेंटिफाई किया और काम को बांट दिया कि भाई शॉर्टलिस्ट कर दिया कौन बंदा कौन सा काम करेगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क सेकेंड का डी हो गया तीसरे का लेटर द ग्रुप लेटर ही ग्रुप, ग्रुप, ग्रुप द सिमिलर नेचर एक्टिविटी इन टू डिफरेंट यूनिट एक जैसा काम करने वाले लोग एक तरफ यानी किसके अंदर क्लास आएगा ये आएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर थर्ड का हो गया सी

ही फर्दर डिज पार्ट लेटर ही ग्रुप सिमिलर नेचर एक्टिविटी देन ही एलोकेटेडर बोर्ड देर आफ्टर डिवाइस अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्लास इस पर ना कुछ मिसिंग है इसको पेंडिंग कर लो फिथ क्वेश्चन को आई थिंक कुछ तो मिसिंग आईडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ऑर्गेइजिंग प्रोसेस डिस्कस इन दब स्टेटमेंट दो स्टेप तो एक सेकेंड एक सेकेंड ये तो फॉलो अप एक्शन प्लानिंग का है

तो एक ही पैराग्राफ आता है उससे अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं तो सेम पैराग्राफ आपको अलग अलग यहां पे मिल जाएगा तो इसका जो पोर्शन प्लानिंग में था हमने प्लानिंग में कवर कर लिया अब इसका जो पोर्शन ऑर्गेनाइजिंग में है हम क्लास इसको ऑर्गेनाइजिंग में कवर करेंगे ठीक है आगे लिखा है क्लास फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क कंप्लीटिंग एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल्स एफिशियंसी मीनस doing the task correctly uh, correctly with minimum cost answer the following question on the basis of the above case dash determines what activity and resources are required class देखो ये लाइन याद रखना क्लास बहुत कंफ्यूजन होता है इसके अंदर कौन बताता है क्या एक्टिविटी और क्या रिसोर्सेस की जरूरत है तो इस क्लास आता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन बताता है क्लास व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेस आर

नेटवर्क ऑफ सोशियल देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है नेटवर्क ऑफ सोशियल रिलेशनशिप डी का थर्ड तो डी का थर्ड दो जगह है एक तो पक्की बात है फोर्थ ही होगा ग्रुपिंग सिमिलर एक्टिविटी बिकॉज देखो ये दोनों ऑप्शन गलत है थर्ड हम जानते हैं डी का थर्ड इन दोनों जगह है ए में और बी में तो ये दोनों तो गलत हो गया फिर, अब ए का फोर्थ दोनों जगह है तो ए का फोर्थ सही होगा अब फंक्शन में leads to occupational specialization, आपको बताओ फंक्शनल के अंदर आता ही है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बी का फर्स्ट इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है बी का फर्स्ट और सी का सेकेंड ही होगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है डिविजन के अंदर विच द फॉलिंग इज इन करेक्ट अबाउट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन authority flow top to bottom responsibility flow upward accountability is devised uh, derived from responsibility responsibilities derived from accountability यार देखो यहाँ पे शुरू के दो तो हटाई दो उस पे तो कोई बात ही नहीं करना बिकॉज़ ये दोनों तो गलत ही है इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे अकाउंटिबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी से आता है बिल्कुल ठीक है अगर किसी को जिम्मेदारी मिलेगी तो जवाबदेही भी होगा लेकिन ये उल्टा लिखा है फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एनसीआर सेम टू सेम मैं क्यू देखता हूं ना तो सारा का सारा एनसी जो पूछा गया है वो एनसीआर से ही पूछा गया इसलिए मैंने स्पेशली एनसीआरटी की रीडिंग सबसे बोरिंग काम होता है मैंने स्टिल कराया आप लोगों को तो ये डी स्टेटमेंट गलत है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से नहीं आता अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आता है तो आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी तभी वो अकाउंटेबल बना ठीक है तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है गलत है वो जब तो फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा गया है तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई अरेंज द स्टेप्स तो सबसे पहला क्या है आए क्लास आइडेंटिफिकेशन डिविजन वर्क सी सबसे पहले आएगा सी चारों में है फिर क्लास आएगा ग्रुपिंग द जॉब डिपार्टमेंटलाइजेशन सी के बाद ई e. तो सी के बाद ई e सिर्फ यही ऑप्शन में है और फिर उसके बाद ए आएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज फिर क्लास डी आएगा इस्टाब्लिशिंग रिपोर्टिंग सी के बाद ई e आ गया के बाद ए आएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज है ना फिर डी आएगा क्लास स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ए ऑप्शन करेक्ट है क्लास टेंथ क्वेश्चन का इलेवन क्वेश्चन चेक करो द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन सही है क्लास डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ये गलत दिखाई है डिपार्टमेंटलाइजेशन फर्स्ट स्टेप थोड़ी है फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क शॉर्टकट क्या बताया था निमोनिक कोड आईडिया आई डी ए

फंक्शनल स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज बाय विच टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन अभी बताया था फंक्शनल जो है वो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है और जो डिविजनल है वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है तो फंक्शनल का ए हो गया फोर्टीन आईडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर बताना है क्लास की फंक्शन स्ट्रक्चर का कौन सा एडवांटेजेस है तो पहला में असान, असान बनाया जाता है तो हो तो ही नहीं सकता बी की बात करें प्रमोट एफिशियंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एज एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन डिपार्टमेंट एंड आर एबल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बी भी सही है क्लास तो बी तीनों जगह है तो ऑब्वियसली बी सही ही होना था सी देखते हैं क्लास इसका सी चेक करो इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन ये होता है फंक्शनल के अंदर ये होता है कि डिफरेंट फंक्शन ड्यू अटेंशन मिलेगा तो सी यहां भी है अब ई ई देखते हैं छोड़ दो देखो टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज इकोनॉमिकल ऑल्सो ई भी करेक्ट है क्लास डुप्लीकेशन बहुत कम होता है बिकॉज हर एक इंसान को अलग अलग काम करना है हर किसी का अलग अलग फंक्शन है सब अपना काम कर रहे हैं रिपिटेशन डुप्लीकेशन होगा ही नहीं और फंक्शनल सस्ता होता है डिविजनल बड़ा होता है बिकॉज मल्टी प्रोडक्ट होते हैं तो महंगा होता है तो सी करेक्ट है क्लास फोर्टीन क्वेश्चन का फिफ्टीन अरेंज द स्टेप्स बिल्कुल स्टेप आपको अरेंज करना है सबसे पहला है क्लास आइडेंटिफिकेशन एंड सी सबसे पहले आएगा उसके बाद क्लास आएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन सी के बाद ए ए के बाद आएगा डी डी के बाद आएगा बी यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है फिफ्टीन क्वेश्चन का सिक्सटीन क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन टू ऑर्डर अचीविंग अब ये भी क्लास उसी सीरीज को बताना है आपने सेम सेम क्वेश्चन है थोड़ा अलग अलग तरीके से अलग अलग सेट में पूछा गया होगा इसलिए यहाँ पे आ गया सबसे पहला है क्लास एंड डिवीजन ऑफ डिवीजनल वर्क फिर है डिवीजन ऑफ वर्क ए बी ए बी तो कॉमन ही है उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन ए बी डी डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया ए बी डी यानी कि ये दोनों ऑप्शन हो सकता है उसके बाद क्या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी सी बी ऑप्शन है ए बी डी सी तो सिक्सटीन क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है सेवनटीन सेवेंटीन चेक करो क्लास यहाँ पे आइडेंटिफाई द दैट दैट प्रोवाइड फ्रेमवर्क क्लास जो फ्रेमवर्क होता है ना क्लास वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है द फ्रेमवर्क विच इनेबल द एंटरप्राइज टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड यूनिट बाई रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट तो क्लास ये सब किसके अंदर आता है क्लास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर सेवनटीन का सी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है Mr. Avinas has joined as a vice president of a manufacturing unit manufacturing garment. As a vice president, he was given the responsibility of increasing the production and efficiency of workers. He observed that the manager relied on their personal judgment while attending to the problem they confronted so that he recommended work study, Ye chapter 2 ka hai, class question. आगे पूरा केस स्टडी है तो हर चैप्टर का मिक्स होगा तो यहाँ तक टू का है विच विल रिजल्ट इन सेविंग टाइम एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ही आल्सो नोटिस दैट द मैनेजमेंट वाज नॉट ऑनरिंग देयर कमिटमेंट वे डिसिप्लिन वाला प्रिंसिपल्स का ही सर्वे द मार्केट टू ही स्टडी टू सर्वे शो दैट डिमांड कैन बी इंक्रीज थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ही डिसाइड टू डाइवर्सिफाई इन फुटवेयर एंड हैंड क्रिएटेड डिविजन फॉर गार्मेंट अलग फुटवेयर अलग हैंड बैग अलग एंड मेड द डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस इच डिवीजन सेल्फ कंटेन विद रेस्पेक्ट टू वेरियस फंक्शन लाइक प्रोडक्शन परचेज फाइनेंस को अब इससे पहले डिवीजन की बात चल रही थी हर डिविजन के अंदर भी अलग अलग फंक्शन है तो ये हो गया क्लास फंक्शन के अंदर नाउ हे डिसाइड टू फिल द वेरियस पोजिशन क्रिएटेड विद राइट पर्सन फॉर दिस ही एनालाइज द नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर स्टाफिंग की बात आ गई तो अब क्वेश्चन क्या लिखा है क्लास हर एक अने एक से अभी तो बताया क्लास डिजनल ठीक है ये आ गया क्लास किसके अंदर डिविजन के अंदर एटीन क्वेश्चन का भी ऑप्शन करेक्ट है देखो ये जो लाइन है ना आप याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपसे कहा ही था कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी इसके अंदर भी तो अलग अलग फंक्शन ए का सेल प्रोडक्ट बी का सेल परचेज तो ये डिविजनल के अंदर ही आएगा पूछा जाता है ना तो ये डिविजनल के अंदर आएगा क्योंकि ईच आप पढ़ना आप एनसीआरटी के देखना मैंने ऑनलाइनिंग भी करा रखा है ईच डिविजन इज सेल्फ विद सेक्ट टू वेरियस फंक्शन लाइक प्रोडक्शन परचेज किसके अंदर आता है डिवीजन स्ट्रक्चर के अंदर नाइनटीन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउ अ बिजनेस मैन एंटरप्राइज बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस इनवायरमेंट आई देखो ऑर्गेनाइजिंग ना एक तरीके से हेल्प करता है कोई भी चेंजेस अगर आ रहा है उसको अडॉप्ट करने में तो इसके अडोपन टू चेंजेस यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है ट्वेंटी द जॉब ए इन अक्षय सीमेंट मैन्युफेक्चरिंग यूनिट वर एलोकेटेड टू मेंबर ऑफ ईच डिपार्टमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड कॉम्पिटेंसी आईडेंटीफाई दिन दर्गनाइजिंग प्रोसेस द जॉब इन नक्सिक जॉब को क्लास अलोकेट किया गया है जॉब को अलोकेट किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट के मेंबर्स को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग तो इसमें क्या है क्लास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इन्होंने ड्यूटी दी है तो कौन सा प्रोसेस है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी कुछ बच्चे पक्का ये समझेंगे क्लास डी पॉइंट नहीं होगा यहाँ पे जॉब दिया जा रहा है ना ड्यूटी दी जा रही है तो इसका ट्वेंटी का